मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्ने न्यूज। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज जन समस्याओं की सुनवाई हेतु खैरा पालमपुर के विश्राम गृह में एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया व इस कैंप में 400 से ज्यादा समस्याएं निपटाई गई। इस अवसर पर BDO भेडू महादेव, सभी विभागों के अधिकारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश कटोच, पंचायत प्रधान डॉक्टर रविदत्त शर्मा, ग्राम केंद्र अध्यक्ष कैप्टन दलवीर कटोच, बूथ अध्यक्ष शुद्धवीर कटोच, अवस्थी मनदीप अवस्थी, भाजपा कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद थे। क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्री के खैरा आगमन पर और जन समस्याएं सुलझाने के लिए उनका आभार प्रकट किया गया। पेश है इस कैंप संबंधी खैरा से हमारे सहयोगी सनी धीमान की एक रिपोर्ट। पेंशन लगी है क्या? अड़चन है? अड़चन अभी पटवारी से ही पहले काम हो रहा है, कह रहा है कि इनका उसमें टाइम लगेगा, फिर इनका एक लीगल हेयर का वो लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट। यस सर, थोड़ा टाइम। अच्छा, और एक यही है सर, जो भी बनने हैं तो उनको बना दीजिए आप, आगे कागज वगैरह भेजने होंगे। कोई ये बात चल रही है वो हम लेके आए हैं ना, जब भी आते हैं तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होगी पेमेंट होगी वो मेरे पास रोज फोन कर रहा है मिस्त्री, पेमेंट आई नहीं उसकी। मैंने अपनी तरफ से पूरा काम किया। चलो इनके अनुसार हो गई है, आप कल तक कंफर्म कर लें या आज कंफर्म कर लें बैंक में चली गई है? अभी तक नहीं आई है, मैंने कंफर्म कर लिया। BDO साहब ये बोल रहे हैं, आप देख करके इनका नंबर ले लो, कंफर्म करो। नहीं, इसकी ओपनिंग हमने की थी, चलाई हमने थी।